तो खूब चुअलबाजी करेंगे। आओगे नहीं आओगी, मुझे जनानी समझ के बोल परमेश्वरी, थोड़ी सी चूक में सबने माटी होगा। हाँ याद रखूंगी। तो फिर आई क्यों नहीं? आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं, वही बात, थक गई हूँ बहुत। छुए नहीं, दूर बैठे थे। जनानी जनानी का एक दूसरे को छू नहीं सकत का? काबू रखो मन पे। आसान नहीं काबू रखना। तो फिर बहलाओ हमारा मन, किससे सुनाओ? मौसी ने सुनाए होंगे किस्सा दिन भर। चढ़ सोने दे। धक्का है क्यों? क्रिस्ती की शुरुआत में ई धक्का? भगवान रे कैसे कैसे दिन दिखाएगा। अपनी नई नवेली दुल्हन को धक्का है सोलन। भगवान रे अब आगे की जिंदगी भी ऐसे कटवाएगा, कैसे कैसे दिन दिखाएगा रे भगवान।
ये रोना धोना बंद करके जाके सो मौसी के संग। अरे सब्र कर दो चार दिन और, उसके बाद खूब मिलेगा तुझे नई नवेली दुल्हन का प्रसाद। रो कह रहे हो, हमसे कोई गलती हो गई था, हमारी बात का बुरा लगा था, सच्ची भैया। दूर हो, दूर हो। हाँ ठीक है, लो नहीं छूते। अरे हमको सब पता है, मौसी ने सब समझा दिया है। भगवान की सौगंध, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जैसे तुम्हारा ईमान डोले। अरे हमें फिक्र ना ही अपने भले की, चिंता ना ही कर लोचन बाबा की कोप की। वो बात ना ही गुल्लो जो तू समझ रही। सच्ची बात तो ये है कि मेरे बदन में तेरे यहाँ सोने से आग सी लगी रही है। नींद तो फुल हो गई और बस एक छटपटाहट और उस पर काबू पाने की जबरदस्त कोशिश। तो अब मेरी सुनो, जब तक तुम जनाना बने रहोगे तब तक मर्द लुगाई वाला संबंध बिल्कुल नहीं, ये हमारा पक्का वचन। और अगर तुम्हारा ईमान डोले तो उसे काबू में रखने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक, तो तू जा सो और मुझे भी सोने दे। सुनो और ससुरे का मन अब ऐसा डोला कि नौटंकिया की पुत्रिया के संग भूल, और मैं करमजली ऐसी कि उसके मन को रास्ते पे लाना तो दूर और हवा दे बैठी कि जा पट्टे हो जा उड़नछू। अब रो अपनी करम को मरी गुल्लो।